गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कल हमने पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी किया था। पॉलन ग्रेन में होता है एंथर और फिलामेंट। एंथर जो है वो एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, फिलामेंट एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। दोनों को मिला के हमारे पास बनता है स्टैमन, दैट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। स्टैमन जो है टर्मिनल इसका एंथर जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, हैविंग टू थीका। इसके बाहर जो है वो दो लेयर्स होती हैं, डाइथीकस मीन्स इसको हम कहेंगे कि एंथर जो है वो डाइथीकस है। डाइथीकस मीन्स हैविंग टू लेयर, थीका मीन्स लेयर्स, एंड सेपरेट द एक ग्रूव होता है जो कि इन दोनों के बीच में आपको नज़र आ रहा है। ये दोनों ही लोब्स को अलग करता है। एंथर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें सिर्फ इसका अलग से, तो एक टिपिकल एंथर जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब जनरली टू थीका जो है वो डाइथीकस एंथर है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, दो लोब्स हैं उसमें। एक लोब अगर हम क्रॉस सेक्शन काटते हैं इसका, क्रॉस सेक्शन में इसको देखते हैं तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखेगा, मीन्स फोर साइडेड स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, और उस फोर साइडेड स्ट्रक्चर में फोर माइक्रोस्पोरेंजियाँ होंगे, टू इन ईच ऑफ द लोब। लेटर ऑन माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो पॉलन सैक्स डेवलप करेंगे, और जो वो पॉलन सैक पूरे ही एंथर की लेंथ के अलोंग होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम जो है अगर हम इसकी बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है आपके पास उसमें चार लेयर्स होती हैं, फोर लेयर्स आर देयर इन माइक्रोस्पोरेंजियम। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकेंड इज एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर्स, एंड आफ्टर दैट इज टेपेटम। टेपेटम लेयर होती है एक, ठीक है। अब ये जो आपके पास एपिडर्मिस लेयर है ये आउटर मोस्ट सिंगल लेयर है। एंडोथीशियम जो है इसमें सेल्स सिंगल लेयर में हों लेकिन उनमें थिकनिंग होती है, और जो मिडल लेयर होती हैं वो दो या चार सेल की लेयर्स हो सकती हैं, दो लेयर भी हो सकती हैं, वो तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, ये प्लांट टू प्लांट वेरी करेगा। और टेपेटम जो होती है, ये जो लेयर है ये टेपेटम लेयर एक इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर जो है टेपेटम लेयर। और टेपेटम लेयर का काम होता है जो भी डेवलपिंग ये माइक्रोस्पोर्स हैं इन सबको नरिशमेंट देना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। और टेपेटम के जो सेल होते हैं वो बाई न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, और डेंस साइटोप्लाज्म के साथ होते हैं। टेपेटम जो है इट नरिश द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और जो बाकी तीन लेयर्स हैं जो ये हैं आपके पास, इन तीन लेयर का काम होता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, हेल्प इन डीहाइसेंस ऑफ एंथर, टू रिलीज द पॉलन ग्रेन। और जब एंथर यंग होता है तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड ये सेल्स हैं इसके पास, जिनको कि हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है, जैसे हमें ये नज़र आ रहा है, दिस इज़ द स्पोरोजीनस टिश्यू, ये सारा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड जो है आपके पास है। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि माइक्रोस्पोरो जो पॉलन ग्रेन है वो कैसे डेवलप होगा। अब ये जो पॉलन ग्रेन है हमारे पास, पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन की प्रोसेस। हर एक सेल जो है स्पोरोजेनस टिश्यू का, जो ये टिश्यू है इसकी कैपेबिलिटी है कि ये पीएमसी बिहेव कर सकता है। पीएमसी का मतलब पोलन मदर सेल बिहेव करेगा और गिव राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड और पोलन ग्रेन्स। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि पोटेंशियल अपना फॉरगोट कर जाते हैं डिफरेंशिएट होने का, तो और कुछ कर जाते हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाते हैं। हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो ये आपके पास है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये डिवाइड करेगा मियोसिस डिवीज़न से।
मियोसिस वन के बाद इसके पास ये दो बनेंगे और मियोसिस टू के बाद ये फोर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर आपके पास माइक्रोस्पोर का टेट्राड फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जैसे ही एंथर मैच्योर होगा तो डिसोशिएट हो जाएगा वो फ्रॉम वन अनदर और ये सारे चारों के चारों पॉलन ग्रेन जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। न्यूक्लियस जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल का वो इट अंडरगोज माइटोसिस, माइटोसिस में चला जाएगा और एक लार्ज वेजिटेटिव सेल बना देगा और एक स्मॉल स्पिंडल शेप्ड जनरेटिव सेल बनाएगा। ये आपके पास है ये पॉलन ग्रेन की अगर स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो ये इस तरह से आपके पास विजिबल होगा। फिर आपको अब एक पॉलन ग्रेन के बाहर जो है वो दो लेयर डेवलप हो जाएंगी, दो लेयर डेवलप हो जाएंगी जिसमें आउटर को हम एग्जाइन कहेंगे और इनर वन जो है वो इंटाइन होगी। ठीक है, आउटर इंटाइन होगी इनर और आउटर होगी एग्जाइन। एग्जाइन जो है जनरली वो एक मटेरियल है जो कि बहुत ही थिक हार्ड मटेरियल है, रेजिस्टेंट मटेरियल है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन, उसका बना होता है और इंटाइन जो है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। पॉलन ग्रेन जब लिबरेट होते हैं जनरली मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में ये देखा जाता है कि जब पॉलन ग्रेन एंथर से डिहाइस होते हैं, लिबरेट होते हैं, छूटते हैं तो वो जनरली दो सेल की स्टेज पे होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी मिल जाएंगे दिन में दो सेल की स्टेज में नहीं होंगे, तीन सेल की स्टेज में होंगे, थ्री सेल्ड स्टेज में जो है वो डिहाइस होंगे। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, ये इसको हम बड़ा कर लेते हैं। अब ये जो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है आपके पास, देखो पॉलन ग्रेन जो है इसमें एग्जाइन होगी, इंटाइन होगी, ये जो बड़ा सेल है लार्ज सेल इट इज़ द वेजिटेटिव सेल एंड द स्मॉलर सेल विच प्लॉट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल इज़ द जनरेटिव सेल। तो आपके पास जो है पॉलन ग्रेन नॉर्मली स्फेरिकल ही होते हैं आउटलाइन में, बस इनकी जो एग्जाइन का जो आर्किटेक्चर है वो बदलता रहता है। ठीक है, जो ये आर्किटेक्चर है एग्जाइन का ये चेंज हो जाता है और स्पीसीज टू स्पीसीज, क्योंकि हर एक स्पीसीज का ये करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। एग्जाइन मैंने पहले भी बताया हार्ड होती है, स्पोरोपोलेनिन मटेरियल की बनी होती है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ये थिन होती है या अब्सेंट भी हो सकती है। ये वो पॉइंट होते हैं जिनको कि हम जर्म पोर्स के नाम से जानते हैं। जब ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा तो पॉलन ट्यूब उन पॉइंट से निकलती है, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन को ब्रेक करके पॉलन ट्यूब का निकलना पॉसिबल नहीं है, इट इज़ वेरी हार्ड मटेरियल। इसके बाद जो है जो इंटाइन है ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है और सर्टेन प्लेसेस पे एग्जाइन जो है यह तो अब्सेंट होगी, बहुत थिन होगी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया जर्म पोर्स। जो ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये लार्ज होता है वेजिटेटिव सेल, इसमें अबंडेंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। वेजिटेटिव सेल जो है जनरेटिव सेल जो है ये छोटा होता है और ये डिवाइड करता है माइटोटिकली और दो हमारे पास मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये जो लाई करता है जनरेटिव सेल ये इसकी उसमें विसिनिटी में लाई करता है, या कह लो साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल में लाई करता है। अब पॉलन ग्रेन जो होते हैं इनसे रिलेटेड एक टॉपिक है पॉलन एलर्जी। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो वीड्स हैं, खरपतवार हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जैसे पार्थीनियम एक एग्जाम्पल है इसका, पार्थीनियम एक एग्जाम्पल है वीड का। ये इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो होते हैं एलर्जी कॉज करते हैं जैसे ही एयर में आ जाते हैं, और ब्रोंकियल इन्फेक्शंस कर देते हैं जैसे एस्थमा, ब्रोंकाइटिस की कॉमन ऑब्जर्वेशन देखी जाती हैं, तो इसको पॉलन एलर्जी कहते हैं, एलर्जी ड्यू टू पॉलन।
पॉलन ग्रेन जो हैं ये न्यूट्रिएंट्स में भी रिच होते हैं, इनको फूड सप्लीमेंट्स के रूप में भी यूज़ किया जाता है और टैबलेट्स के फॉर्म में ये अवेलेबल होते हैं मार्केट में। इनको कंजप्शन करवाई जाती है, ज़्यादातर एथलेटिक्स वाले करते हैं या फिर रेस हॉर्सेस को करवाई जाती है इन ऑर्डर टू मूव फास्ट। ठीक है, तो इतना मेल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का हम आज पढ़ेंगे और नेक्स्ट आप हैव ए नाइस डे, और इतना कर लेंगे आप।